सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि YouTube पर सब्सक्राइबर हाइड कैसे करते हैं। हाइड करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, बट सब्सक्राइबर हाइड एंड अनहाइड करने के फायदे और नुकसान मैं आपको बताने वाला हूँ। सब्सक्राइबर हाइड करके आपका क्या फायदा है और अनहाइड करके। आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है जुनेद और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल जुन्नू की टेक। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। कुछ यूट्यूबर्स तो ये सोचते हैं कि भाई जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक मैं अपने सब्सक्राइबर को हाइड कर देता हूं, उससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। भाई मैं आपको एक बात बताऊंगा, पहले आपको मैं बता देता हूं कि सब्सक्राइबर हाइड कैसे करते हैं और अनहाइड कैसे करते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में youtube.com सर्च कर लेना है, उसके बाद आपका चैनल यहां पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। देन आपको 3 डॉट पर क्लिक करके थोड़ा नीचे की तरफ चलना है और यहां पर आपको एक रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहां पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है और यहां पर क्लिक करने के बाद आपको YouTube स्टूडियो पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो उसके बाद यहां पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, तो यहां पर जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहां पर चैनल पर क्लिक करना है। चैनल पर क्लिक करने के बाद आपको एडवांस सेटिंग पर जाना है और थोड़ा नीचे की तरफ आप जैसे यहां से ऐसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सब्सक्राइबर काउंट, तो आपको ये वाला टिक हटा देना है। अगर आप इसको हटा दोगे और यहां से सेव पर क्लिक कर दोगे तो आपके सब्सक्राइबर हाइड हो जाएंगे, और अगर आप यहां पर क्लिक करके रखोगे और सेव पर क्लिक कर दोगे तो भाई आपके सब्सक्राइबर अनहाइड रहेंगे, कोई भी आपके सब्सक्राइबर देख सकता है। अब मैं आपको कुछ जरूरी बातें बता देता हूं। सपोज दैट आप YouTube पर कोई बहुत ही ज्यादा अच्छा वीडियो बना रहे हो, आपका जो वीडियो क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा मस्त है, लोग देखना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। आपके चैनल पर लोग आ तो रहे हैं, आपका वीडियो भी देख रहे हैं, बट आपको सब्सक्राइब नहीं करेंगे अगर आपके सब्सक्राइबर हाइड होंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर 100 बंदे आ रहे हैं तो भाई कोई 1-2% ही सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि भाई कुछ लोग ये सोचते हैं कि इस बंदे को नॉलेज नहीं होगा, इसको ज्यादा कुछ नहीं पता है, इसलिए इसने अपने सब्सक्राइबर हाइड किए हुए हैं। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप एकदम मस्त क्वालिटी का वीडियो बना रहे हो, आपके कंटेंट में दम है, तो अगर आपके 400 या 500 या 200 सब्सक्राइबर भी हैं तो भाई उनको हाइड मत करो। अगर आप हाइड कर दोगे तो सामने वाले बंदे ये सोचते हैं कि बंदे को तो नॉलेज ही नहीं है तो आपको सब्सक्राइब नहीं करेंगे। और अगर आपके 400 से 500 सब्सक्राइबर हैं और आप वीडियो बना रहे हो, कैसा भी बना रहे हो, अगर आपका कंटेंट देखने वाले को पसंद आता है, आपके व्यूअर्स को आपका वीडियो अच्छा लग रहा है, चाहे आपके 100 सब्सक्राइबर हैं वो आपको सब्सक्राइब करके जाएगा। मैंने एक चीज नोटिस किया था, जब तुम्हारे भाई के 700 से 800 सब्सक्राइबर थे, मैंने भी कुछ यूट्यूबर्स का वीडियो देख के अपने सब्सक्राइबर हाइड कर दिए थे। और तुम्हारा भाई मेहनत तो बहुत करता था, पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि 3-3, 4-4 घंटे में एक एक वीडियो मेरा शूट होता था, कुछ ऐसा वीडियो ही मैं पहले बनाता था, ठीक है। आप जाकर देख सकते हो, अभी भी टाइम लगता है बट एडिटिंग में अब मेरे को ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो जब तुम्हारा भाई के 700-800 सब्सक्राइबर थे तो मैं वीडियोस बनाता था, मैंने 4 से 5 दिन हाइड करके देखा, अरे भाई इतने ज्यादा कम सब्सक्राइबर मेरे पास आए, बहुत ही ज्यादा कम। तो तुम्हारे भाई ने अनहाइड कर दिया, उसके बाद मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने शुरू हुए। तो भाई आपको यहां से क्या सीखने के लिए मिलता है कि बस अपने कंटेंट में दम लेकर आओ, अपना कंटेंट अच्छा बनाओ, सब्सक्राइबर हाइड वाइड करने से भाई कुछ नहीं होता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता भाई, कुछ भी। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता था। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक मारो, और YouTube से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हो तो ये वाला वीडियो देखो, ये वाला भी देख लेना, मीटअप वाला वीडियो भी देख लेना, यहां पर क्लिक करके अरमान जुनेद को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपसे मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।